मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रबोधिनी का कि इस सेशन में मुझे बुलाया, अपनी बात कहने का मौका मुझे मिला, और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आप सब लोग केवीआईसी से जुड़ेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे और एक ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे जहां पर खुशहाली ही खुशहाली होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे आपने कहा, गांधी एक कपड़ा नहीं, एक सोच है। सो खादी, ऐसे ये गांधी जी ने शायद कहा था ना, खादी एक कपड़ा नहीं, एक सोच है। तो ये आपने पूरा उसको जैसे बताया है, वो सब हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है और उसको आने वाले समय में हम आपने उसमें लाएंगे, ऐसी एक कल्पना करते हैं। अब मैं समय हालांकि खत्म हो चुका है, तो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एक चार क्वेश्चन आंसर मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ही सिर्फ पूछेगा, अपनी बात मत रखिएगा क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। प्लीज माइक दे, जब तक वो माइक दे रहे हैं तब तक मैं एक नंबर शेयर करता हूं जो केवीआईसी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वाईके बारामातकर साहब हमारे बीच में हैं। आपका जो ऑफिस का नंबर है, मुंबई में ही आप बैठते हैं, मुंबई में ही आप केवीआईसी का हेडक्वार्टर है और ऑफिस है। ऑफिस का नंबर है 022, यहाँ का जो कोड है और नंबर है 2871-4320। एक और नंबर है 2671-4325 और आपका मोबाइल नंबर है 2671-4325 वाई के बारामातकर। हाँ, डिप्टी सीओ। और मोबाइल नंबर है 9923441062 9923441062 2671-4320 2671-4320। अब जिनका छूट गया है वो अपने अगल बगल साथियों से नोट कर लेंगे और अभी चाय के समय भी बारामतकर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे आप मिलके बात भी कर सकते हैं। जिनके सवाल जो पूछने चाहते हैं, एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ते के अंदर ही हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी अपेरी सेटअप कर रहे हैं हनी मिशन से रिलेटेड, और ट्रेनिंग हम जो है यहीं पर देंगे आपको, इसी कैंपस के अंदर हम लोग करीब 25 बी बॉक्सेस लगा रहे हैं और उसके बाद जो है ट्रेनिंग यहाँ शुरू होगी। तो आसपास के जो इलाका है, जो गांव है, वहां के लोग आ सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा जो है रोजगार का जरिया शुरू हो सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। सो प्लीज चार क्वेश्चन लेंगे, जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हाथ उठा दें, उनके पास वो माइक पहुंच जाएगा। प्लीज। अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क, आपका जो फुटफॉल्स है स्टोर्स का, जैसा रिटेल चेन में, क्या वो फॉलो करता है? आई वाज एस्ट मार्को मेडा डेस कुमार और ब्रांड हाउस रिटेल का मार्केटिंग हेड था, तो डू यू फॉलो दैट प्रिंसिपल्स इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स एंड ऑल? ओके, संजय बैल वॉज माई क्लाइंट, आई वॉज एडवाइजिंग रिलायंस इन्फो ऑल्सो। ठीक, माइक उनको दे दीजिए। सक्सेना जी जी, ये नाबार्ड का सवाल है, जो एमपी मैडम थी ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की, उन्होंने बोला था कि नाबार्ड के लिए कि जैसे कि 6 लाख गांव है हिंदुस्तान के अंदर और अपने पास में बैंक सिर्फ 30,000 है, तो 30,000 बैंक 6 लाख गांव को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट के पास में कुछ प्लान है क्या उसको एक्सटेंड करने का? आपने बहुत सही सवाल किया है जी। ये बिल्कुल सच है कि बैंक्स कम है और जो है रीच जो है अब बहुत बढ़ने लगी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और भी कई बैंक्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि जहां पर बैंक्स अवेलेबल नहीं है उन्होंने बैंक मित्र बना दिए हैं। वहां का जो एक कोई मजिज इंसान है जो वेल ऑफ है या कोई छोटा मोटा काम करता है, वही वो उनका बैंक मित्र बन जाता है और उसके माध्यम से ही जो है उस गांव के लोगों को जो है वो बैंकिंग की फैसिलिटी मिलने लगती है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत सफल भी है। बैंक मित्र का प्रोजेक्ट चालू हो गया, उसका ऐप वैप कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, वो अवेलेबल है, वो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे बैंक्स की अवेलेबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। जी जी, ओके, थैंक यू। और हाँ, प्लीज इनको प्लीज माइक दे दीजिए, हिंदी में प्लीज पूछेंगे तो हम।
हमारा घर 2001 से चल रहा है. वो निर्गुड़ी थी लो पेन ज्वाइन के लिए, वो मालिश करने के लिए वो बहुत अच्छा है. और हमने वहाँ 2001 से अभी तक वो प्रदर्शन रखते हैं, वहाँ बेच करते. फिर ऐसे होते कि वो खत्म होते, उसके बाद गट का जो उत्पादन होता है उसको मार्केट नहीं मिलता है. वो क्या बोलते कि उसका एक्स मार्क है का क्या है तुम्हारा, ऐसे बोलते. इसलिए हमारे गट का जो माल उत्पादित होता है उसको मार्केट नहीं मिल रहा है. देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आप किस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो PMEGP के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्योंकि बोलने के लिए समय कम था और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, उनको KVIC अपना प्लेटफॉर्म देती है मार्केटिंग के लिए. हमारे 8077 स्टोर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, जहां पर उनको ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म मिल जाता है. ये PMEGP का सबसे बड़ा फायदा है. आज बहुत सारे लोगों ने पहले भी मार्केटिंग की बात करी थी कि भाई हमने प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन मार्केटिंग कहां से करें. तो जब आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से लोन लेकर एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो मार्केटिंग के लिए आपको जो है प्लेटफॉर्म KVIC देता है. मैं समझता हूं कि यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन भी देता है, आपको ट्रेनिंग भी देता है, आपको बैंक से फैसिलिटी दिलाता है, सब्सिडी देता है, और बाद को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी देता है. जो हमारे KVIC के स्टोर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उसमें आपका प्रोडक्ट रखा जाता है. देखिए KVIC के दो तरीके हैं मार्केटिंग के. देयर आर टू वेज ऑफ मार्केटिंग. नंबर वन, थ्रू एग्जीबिशंस. एग्जीबिशन में भी हमारे वो जो इंस्टीट्यूशन जो PMEGP सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है या खादी इंस्टीट्यूशन है, उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं. हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशंस होती हैं, स्टेट वाइज एग्जीबिशंस होती हैं, नेशनल एग्जीबिशंस होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टोर्स, चेन ऑफ स्टोर्स, वहां पर भी हम प्रोडक्ट रखते हैं. तो प्लेटफॉर्म इज गिवन टू अवर PMEGP यूनिट्स. हाँ प्लीज सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हमने KVIC से लोन लिया है और इको फ्रेंडली हम प्लेट्स और ड्रोन्स बनाते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट इफेक्ट इतना होता है कि वो परचेस करते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करके उसका कॉस्ट इफेक्टिव में रिटेल में जाता नहीं. ये एक हमारा एक साइड का बिजनेस है. देखिए ऐसा है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है, इसको आपको देखना होगा कि आपके ओवरहेड ज्यादा है, वो आपको देखना होगा. उसमें KVIC का रोल नहीं है. मान लीजिए आप के 5 इंप्लॉइज हैं जिनकी कॉस्ट आपको 50,000 रुपए है, क्या उसमें 2 कम करके आप उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं? या आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वो कॉस्टली खरीद रहे हैं, क्या उसको कहीं और से सोर्स करके उसको सस्ता कर सकते हैं? ये विजडम आपका है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना विजडम आपका है, उसमें KVIC का रोल नहीं है. दूसरा, मेरा एक बिजनेस जो है जो सब घर में बिजली जलती है, उसमें मैं कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी सेविंग और सुरक्षा, ये तीनों काम करता है. लेकिन कोई भी ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बड़ी फैक्ट्रीज है, कोई कुछ है, एक टाइम बिजली जल गया, एक टाइम इंस्टॉलेशन हो गया, तो उसके ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर या किसी को उसको देखभाल करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है. जो अपन देख रहे हैं, इधर अंगार जला, इधर 14 आदमी जले, इधर 20 आदमी जले, इधर 15 आदमी जले. लेकिन हम ये मार्केटिंग करता है क्योंकि जैसा भी अपन पानी का pH मेंटेन करते हैं, वैसा इलेक्ट्रिसिटी का भी pH मेंटेन करना जरूरी होता है. उसमें क्या होते हैं कि जो जनरेशन होता है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर का गैप जो है उसके अंदर वेस्ट होता है, वो हम सेव करते हैं. मैं आपकी बात को समझ गया, आप जो कहना चाह रहे हैं, फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत सारी इंसिडेंट्स होती हैं. और फ्लक्चुएशन क्यों होता है, उसके कारण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का पिल्फरेज बहुत होता है. आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. आज गवर्नमेंट ने एक लाइन को डाला, उस लाइन में बीच में ऐसे कितने जगह होती हैं जहां पर लोग तार डालकर जो है इलेक्ट्रिसिटी को चोरी करते हैं. उसकी वजह से जो है फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं और ट्रांसफार्मर्स भी जल जाते हैं, मशीनें भी जल जाती हैं, बहुत सारी इंसिडेंट्स होती हैं. ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर जो है कोई आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैंने फिर भी आपकी बात को टच किया. हमारे विषय अभी के विषय का नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं अब यहीं पर माफी चाहूंगा और अपने तीनों पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब. बड़ा क्वेश्चन है मेरा,
ये जो आपने बताया कि ये चाय के समय हम लोग अलग से बात करेंगे। one second, नहीं प्लीज, अभी सत्र खत्म हो रहा है, अपने सत्र की एक मर्यादा है और इसके बाद का भी एक सत्र है, इसलिए प्लीज। लेकिन हमारी मर्यादा की जो सोल्यूशन अगर मिलेगा नहीं तो हमारी मर्यादा भी आप अलग से मिल के बात करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये आपका पर्सनल वो है जिससे आप मिल के भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं और 4:30 बजे पुनः इसी हॉल में हम वैलिडिटी सेशन के लिए इकट्ठा होंगे। थैंक यू। आप सभी ने अगर अभी परिचय पत्र जमा नहीं किया है तो अभी समय है हमारे पास 2 मिनट, आप परिचय पत्र भर लीजिए ताकि समापन सत्र के बाद जाते वक्त आप परिचय पत्र रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दे देंगे। आज के इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव में आप सभी ने पूरा दिन दिया और अब हम समापन सत्र की ओर हैं। समापन सत्र के लिए मैं आग्रह करता हूँ हमारे आज के सत्र के अतिथियों से कि कृपया मंच पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी सर, श्री एचआर दवे जी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड, श्री विनय कुमार सक्सेना जी केवीआईसी चेयरमैन, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे एंड श्री रविंद्र साठे जी, अगले 20-25 मिनट में हमारे बीच श्री पेमा खंडू माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश भी जुड़ जाएंगे। उनका विमान 1 घंटा डिले हुआ है। मैं एक बार मंच का परिचय तो प्रतिभागियों के साथ हुआ ही है, पर एक बार मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री शिव प्रताप शुक्ला जी को एक टोकन प्रबोधिनी की तरफ से देते हुए एक बार पुनः उनका स्वागत करें। मैं श्री रविंद्र साठे जी से आग्रह करूंगा कि श्री एचआर दवे जी का स्वागत करें। एचआर दवे जी आई एम अहमदाबाद के एलुमनस हैं और तब से उन्होंने नाबार्ड के साथ दशकों बिताए हैं और आज वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। सर यू वेलकम। मैं श्री रविंद्र साठे जी से आग्रह करूंगा कि वे विनय कुमार सक्सेना जी केवीआईसी के चेयरमैन जो कि दिल्ली से इस कार्यक्रम में और आप सभी का साथ देने और उनको आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच आज पूरे दिन हैं, उनका भी एक बार स्वागत करें। वेलकम सर। आज के जो पूरा कार्यक्रम है उसकी मैं 5 मिनट में एक रिपोर्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव यानी कि आर्थिक जनतंत्र पर ये 1 दिवसीय आयोजन रामभाव मल्गी प्रबोधिनी ने आयोजित किया और मुंबई सबर्ब ठाणे पालघर इन सभी जिलों से करीब 170 से 180 प्रतिभागी जो कि मुद्रा स्टार्टअप SC/ST वेंचर कैपिटल फंड इस तरह की जो सरकार केंद्र सरकार की स्कीमें हैं उनके लाभार्थी भी हैं और उनमें से करीब 70-80% फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो ऐसे एनर्जेटिक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच
हैं सवेरे से, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन आप सभी को मालूम ही है कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र भी मौजूद थे। उनके बाद उसके बाद के सत्र में जो कि आर्थिक जनतंत्र आकांक्षाओं और अवसरों के बारे में था, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलिंद कांबले जी एवं श्रीमती संपत्या उइके जी भी हमारे बीच में थी, और उसमें जो सरकार की अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं केंद्र सरकार की, जिसके द्वारा आज के युवा उद्यमी बन सकते हैं, लोन लेकर 5 लाख 10 लाख तक का लोन लेकर उद्यमी बन सकते हैं, ऐसी स्कीमों के बारे में प्रेजेंटेशंस हुई और चर्चा हुई। आप सभी के काफ़ी प्रश्न उत्तर भी थे, क्योंकि समय सीमा थी और ये एक ही दिन का कार्यक्रम था। हमने कुछ प्रश्न लिए, आपके और भी प्रश्न थे जो आपने, जो विराम समय था उसमें आपने बाकी लोगों से पूछे, नंबर्स भी एक्सचेंज किए। उसके बाद जो दूसरा सत्र, उद्घाटन सत्र के अलावा जो दूसरा सत्र था, उसमें हमने 3 समांतर सत्र रखे थे, और उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था कि जो उद्यमी यहाँ आए हैं वो जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं उनको हमने मुख्य रूप से 3 तरह की समस्याओं में 3 भागों में बांटा था। एक जो कि वित्त से रिलेटेड है, क्रेडिट से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। दूसरी जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से, इनोवेशन से, मार्केट एक्सेस से, वो दूसरा एक भाग था। तीसरा जो भाग था वो मेंटोरशिप, गाइडेंस जो नहीं मिलती है, जो हर उद्यमी को चाहिए होती है, जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्किंग, उससे जुड़ा हुआ सत्र था। तो वो 3 समांतर सत्र हुए और हमें काफ़ी तज्ञ लोगों का, अनुभवी लोगों का उसमें साथ मिला, गाइडेंस मिली। श्री विनय कुमार सक्सेना चेयरमैन KVIC, डॉक्टर हर्ष वर्मा प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि मार्केटिंग के फैकल्टी मैनेजमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं, श्री संजय त्रिपाठी जो कि को फाउंडर एंड CEO एजिलियो, और उनका बड़ा एक लंबा अनुभव रहा है मार्केटिंग और प्रमोशंस का, तो उन्होंने मार्केटिंग सत्र में वे रहे। उसके बाद फाइनेंस और क्रेडिट वाले सत्र में श्री सईद जाफर इस्लाम जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं डॉयशे बैंक के, और उनका भी फाइनेंस का लंबा एक अनुभव है अपना, मिस्टर PC पानीग्रही जो जनरल मैनेजर हैं यूनियन बैंक से वे रहे, अनिल सावन जी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और आशीष अग्रवाल जो कि स्वयं एक सफलतम उद्यमी हैं, CEO टैलेंटो, वे भी रहे। उसके बाद जो मेंटरिंग और नेटवर्किंग का सत्र था उसमें डॉक्टर पी शेखर फिक्की जो कि जिनको कि फिक्की की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि हम चाहते थे कि कॉरपोरेट जगत से जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं वो भी अगर मेंटरिंग का, एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स की मेंटरिंग पर ध्यान दें तो एक हैंड होल्डिंग उनकी तरफ से भी हो सकती है। फिर श्रीमती वैशाली अपराजित जो कि दे आसरा जो यहाँ एक प्रकल्प पुणे में चल रहा है मेंटोरशिप के लिए, उसका प्रेजेंटेशन दिया। श्री भानुचंद्र नागराजन जो कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के टेक्नोलॉजी एडवाइज़र हैं, उन्होंने आपको स्वयं के बारे में बताया कि किस तरह से उद्यमी भी रेगुलर लर्निंग इनपुट्स ले सकते हैं स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म से। अब हम समापन सत्र की ओर आए हैं, तो इस तरह ये उद्घाटन सत्र में करीब आप सभी 200 उद्यमी जो आए थे उनके अलावा भी हमारे पास, हमारे साथ करीब 350-400 लोग थे, और ये पूरे दिन का सत्र इस तरह से रहा। तो अब इस रिपोर्ट के बाद एक 10 मिनट हम आज के कार्यक्रम की, आज के पूरे दिन एक दिवसीय कार्यक्रम की फीडबैक और ओपन हाउस रखेंगे, जिसमें आप सभी के कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है तो वो आप दे सकते हैं, एक संक्षिप्त में अपना नाम बताकर कहाँ से आए हैं, और उसके बाद एक संक्षिप्त में आप अपना सुझाव या कोई आपको सुझाव देना है या आपका कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है तो ऐसे हम 4-5 लोगों के सुझाव ले सकते हैं। माइक एक सेकंड।
माइक। मैं शिव कुमार महंकाल सोलापुर से आया हूँ महाराष्ट्र। आपका आज का जो प्रयास है बहुत अच्छा रहा प्रयास आज का। हम ग्रामीण भाग से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज जो जिस टाइप का नॉलेज की हम अपेक्षा करके आए थे उस समय के पाबंदी की वजह से वो पूरा हम नहीं ले पाए, और जो देने वाले भी बहुत मातब्बर थे, क्वालिटी लोग थे, वो भी दे नहीं पाए। मतलब आज हम आए इतने दूर से, लेकिन जिस लेना और देने के मूड में थे सब लोग वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसके लिए आगे अगर आप रखेंगे तो एक दो दिन का, तीन दिन का ऐसा हम जितना ग्रामीण लोग भाग के लोगों के लिए स्पेशल सेशन ऐसा करो, और जितना हो सकता है उतना डिटेल नॉलेज ग्रामीण भाग के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करो। थैंक यू। आपका सुझाव सही है, हम डीकी के सहयोग से ऐसा दो दिन का ट्रेनिंग करेंगे, मिलिंद जी यदि अनुमति देते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नमस्कार सर, मैं हर्ष वर्मा बोलने आया था यहाँ पर मार्केटिंग के सेशन में, और जो आपने पहले सुबह जो भाषण दिया उसने मेरे दिल को टच किया कि रामभाव प्रबोधिनी क्या ग्रास रूट पे ट्रांसफॉर्मेशनल काम कर रही है। मेरे अपने सेशन के दौरान में मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे वांटेड टू एक्चुअली लर्न अबाउट मार्केटिंग। सो 10 मिनट के समय में मैंने जो कुछ कहा चाय पे, कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर आपने जो 10 मिनट पे कहा उससे हमारी सोच बदली है। तो सवाल ये कि सोच बदली है, मैं एज ए रिसोर्स पर्सन चाहूँगा कि क्या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो कि मैं आपकी संस्था के साथ जुड़ के एक्चुअली इनको गाइड कर पाऊँ सो दैट कुछ लोगों का बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा सुझाव है। जरूर आपका सुझाव हम याद रखेंगे, और प्रबोधिनी का ऐसा नियम ही है, या प्रबोधिनी ऐसा हमेशा कहती है, जो एक बार प्रबोधिनी में आ गए प्रबोधिनी के हो गए, इसके लिए हम आपको बार बार बुलाएंगे। विनय जी, मेरा पहली बार प्रबोधिनी में आया था, मैं टाटा पावर को एक टाइम ट्रेनिंग करता था, मैं 30th में आया था, और मैं अगर मार्केटिंग मेरा एक्सपर्टीज है FMCG में, मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोग को मिले, और प्रमोद जी के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला जब मैं पार्टी में नहीं था, और जो टेक्सटाइल्स में मेरा एक्सपीरियंस है और इनोवेशंस है ये सबको मिले, और चाइना से हमारा जो डेप्ट है 51 मिलियन उसमें से 26 गारमेंट्स का है तो खत्म हो जाए और हमारे सब विकास होता है। आई एम रेडी टू वर्क। स्मृति रानी जी वॉज महाराष्ट्र युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट व्हेन आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। स्वागत है, स्वागत। सर आज मुझे यहाँ पे बुलाया बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रबोधिनी में मैं ज्वाइन हुई है, मैं पूरा पूरा आपको सहकार्य करेगी। सर मेरी महिला जो है वो कापड़ की थैली बना रही है कि जो अपना प्लास्टिक बंद कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रबोधिनी में ज्वाइन होना चाहिए, और आपने मुझे मेरी थैली के लिए मुझे मार्केट चाहिए सर, और अपना प्लास्टिक बंद करना है सर। ओके नमस्ते सर, मेरा नाम विष्णु सिद्धि है, मैं दार्जिलिंग से आया हूँ, और आई एम वेरी थैंकफुल टू विनय सर जी। सर हम लोग उस तरफ रहते हैं स्पेशली पूर्वोत्तर भारत हिमालयन रीजन में, तो आने वाले दिन में हिमालयन रीजन के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम होने वाला है, शैल वी एक्सपेक्ट सर? हाँ हम कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे, और आपका जो सुझाव है आपका प्रस्ताव है वो आप दीजिए, हम उसके ऊपर जरूर गौर करेंगे। नमस्ते, माझ्याबद्दल सांगायचं, मी अलका देवरे महाबँक RCT तर्फे रुरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंगसाठी काम करते। मला आजच्या ह्या कार्यक्रमाचा अनुभव खूपच छान राहिलेला आहे,
जे गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून आपण मी जे काम करते आहे स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये त्याविषयीची थोडीफार का असे ना तरी एक मनामध्ये एक आस निर्माण झाली की ह्या पद्धतीच्या उपक्रमातून आम्ही ते प्रोग्राम तळागळामध्ये खेड्यापाड्यांमध्ये पोहोचवायचा प्रयत्न नक्कीच करूया अशी मी ग्वाही देते. थँक्यू. रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी सर, मी आपल्याला असं सूचित करतो की या ठिकाणी सर्व स्तरातून मोठ्या संख्येने या ठिकाणी प्रबोधिनीसाठी माणसं आलेली आहेत. तर सर या ठिकाणी जास्तीत जास्त हिंदीमधूनच सगळं झालेलं आहे. तर माझ्या आदिवासी भागातून जव्हार मोखाडा आणि पालघर जिल्ह्यासाठी सर हे सगळं प्रबोधिनी मराठीतून झालं आणि या ठिकाणी जर माझ्या भागातली माणसं जर आली त्यांना जर असं सगळं प्रशिक्षण मिळालं तर खरोखरच त्यांची उन्नतीला प्रबोधिनीकडून फार मोठा हातभार लागेल असं मी सांगतो. आपण तुमच्याकडे येऊनच करण्याचा विचार करू. दोघा तिघांना तिकडेच पाठवू आणि तिकडेच करू आपण. धन्यवाद. मिलिंदजी सहाय्य करतील आपल्याला. सबको नमस्कार. मराठी में बात करेंगे. आज जो भारत सरकार के वित्त मंत्री राज्य वित्त मंत्री इधर है, शस्त्रबुद्ध साहब जी है और सब बड़े बड़े आदमी उधर बैठे, अब सब मित्र लोग. अभी मैं मराठी से बात करता हूँ. आता उपस्थित असल्यापैकी शेतकरी असतील आणि ओरिजिनल शेतकरी त्यांनी हात वरती करा. म्हणजे शेती करतात असे. सर तुम्ही केंद्रीय राज्यमंत्री आहात, शस्त्रबुद्धी तुम्हाला त्यांना इंग्लिशमध्ये किंवा तुम्ही हिंदीमध्ये सांगा. मी मराठीतच बोलतोय, हिंदी बोलू शकतो पण व्याकरणामध्ये काही फरक होऊ शकतो. मी शेतकऱ्यांची दशा आणि दिशा स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतची दशा आणि दिशाची थोडंसं विवरण करतोय, कारण हे केंद्रीय राज्यमंत्री इकडे आल्यानंतर आणि आपण इंडस्ट्रीयल काही सुशिक्षित माणसं ग्रॅज्युएट डबल ग्रॅज्युएट MBA असतील ती मोठे मोठे पदं घेतलेली. आमच्या शेतकऱ्यांची जी परिस्थिती आहे ती मी सांगतोय, कारण आज सांगितलं पाहिजे तुम्ही शहरातल्या लोकांना आणि प्लस केंद्रीय मंत्र्यांना ही परिस्थिती समजली पाहिजे. सर देश 1947 स्वतंत्र झाला त्यावेळी जी आणि आत्ताची कंडिशन शेतकऱ्यांची मी सांगतोय. सर त्यावेळेस नवीन नवीन इंग्रजांनी आमच्याकडं ग्रामीण भागात थोडक्यात सविस्तरच येईल सर ते थोडस सांगतो. ओके. तर 1947 सर शिक्षक टीचर्स आमच्याकडे शाळे चालू झाले 1947 अगोदर. तेव्हा त्यांना 150 रुपये पगार होता ते 225 रुपये पगार होता. त्यावेळेस आमच्या भात शेती आम्ही कोकणात राहतो इकडे पालघरमध्ये ठाणे जिल्ह्यामध्ये वसईमध्ये. एकूण भात परिस्थिती मी भाताची कंडिशन सांगतोय भारताच्या संबंधित. त्यावेळेस भाताला भाव होता 400 रुपये मन, म्हणजे एका क्विंटलला 2.5 मन म्हणजे 1 क्विंटल. म्हणजे जर 1947 देशाच्या स्वतंत्र झाल्याचा विचार केल्यानंतर 400 × 2 = 800 रुपये क्विंटल व्हायचा. त्याच्यानंतर 1977 आपल्याकडे आणीबाणी चालू झाली तेव्हा लेवी चालू झाली सरकारने, जब म्हणजे कंपल्सरी लेवी घ्यायची, कर घ्यायचा शेतकऱ्याकडनं विशिष्ट एकराप्रमाणे त्यांना भात द्यायला लागेल सरकारला. तेव्हा 800 रुपये मन होतं, क्विंटलचा भाव होता 8 × 2 = 16 × 4 = 20, म्हणजे 2000 रुपये क्विंटल, 100 किलो 2000 रुपये भाताला भाव होता. आत्ता सर सरकारचा भाव आहे 1500 रुपये. त्यावेळेस पगार होता 1947 1.5 ते 2.5 रुपये. पण आता शिक्षक लोकांना पगार, मी शिक्षक लोकांना सांगतो सरकारी नोकराबद्दल बोलत नाही पण एकूण सर्व एकच सरकार. आता सरकारी नोकरांना पगार साधारणतः 40 ते 50 हजार, त्यावेळेचा पगार 150 ते 200 आणि आता 40 ते 50 हजार. त्यावेळेचा भाव 400 रुपये म्हणजे पकडला आणि आत्ताचा पकडला तर 40 150 रुपये पगार कुठे आणि 40 हजार पगार कुठे.
त्यावेळेचा 4-2-8 1000 रुपये भाव आणि 1500 भाव, म्हणजे मी फक्त डिफरन्स सांगतो एवढ्या वर्षाचा, म्हणजे 66 वर्षानंतर शेतकऱ्यांची काय कंडिशन झाली असेल। कारण मार्केटमध्ये तुम्ही बघितलं शेतीचे अवजार, औषध, बियाणं यांचे भाव चौपट वाढलेत। शेतकरी आज आत्महत्या करतो, त्याला कारण मी सांगत नाही कोण, पण एकूण सरकारचं धोरण सर तुम्ही आहेत आणि शेती आविषय राज्य सरकारकडे आहे, पण थोडा तरी भाव वाढला तर सरकार, तुम्ही शहरातली लोक बोंबाबोंब करताय, तुमच्याकडं वर्तमानपत्र आहे, टीव्हीवाले आहेत, तुमचे प्रश्न तुम्ही मांडून घेता। आमचे ग्रामीण भागाचे प्रश्न एवढ्या काय एवढ्या पद्धतीने व्यासपीठ मांडले जात नाहीत, त्याच्यामुळे लगेच परदेशातून माल आयात केला जातो, शेतकऱ्यांचे भाव डाऊन केले जातात। मला एवढं सांगायचं राज्यमंत्र्यांना इकडे या उपस्थितीत, सर लक्ष ठेवा की अशा परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर किंवा शेतकऱ्यांना तुम्हाला जास्तीत जास्त सवलत देऊन त्यांना शहरी लोकांच्या लेवलला कसं आणता येईल ह्याचा विचार करा, एवढी आजच्या व्यासपीठासंबंधी सर्वांची होती, मी विनंती करतोय। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी के अनुभव लिए और मैंने आपके सजेशंस नोट भी किए, और जैसा आप जानते हैं हमारे बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड सिड भी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केटिंग के केवीआईसी जैसे संस्थान, आज सभी हमें सब उनसे मिलने को मिला। अब मैं श्री एचआर दवे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड से विनती करता हूं कि वे अपने कमेंट्स रखें। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय श्री शुक्ला साहब, श्री विनय भाई साहब, केवीआईसी के चेयरमैन श्री सक्सेना साहब एंड श्री रविंद्र साठी साहब, सभी उपस्थित युवाओं, शहर से और ग्रामीण विस्तारों से जो आए हैं उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए सौभाग्य मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप में और संस्था के रूप में दोनों रूप से कि प्रबोधिनी के साथ आज एक सहयोग का हमें अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रबोधिनी का आभारी हूं। जैसा आप सब जानते हैं आज पूरा दिन आपने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई आसान काम नहीं है, हमें टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, मार्केट्स का नॉलेज होना चाहिए और नेटवर्किंग इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। ये 4 या 5 चीज़ें यदि साथ में रहती है तो हम सफल होते हैं। मैंने जब ग्रेजुएशन किया था सर तो पिताश्री ने कहा था कि अब तुम कुछ एजेंसी ले लो, तो तब भी नहीं ली। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में MBA करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब नौकरी करनी है या एंटरप्रेन्योरशिप कुछ काम किया जाए, तब भी वो हिम्मत नहीं आ रही थी। उस जमाने में और आज के परिस्थिति में बहुत फर्क है। आज डिलीवरी सिस्टम्स जो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बनाई है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का एक कॉन्शियस एफर्ट किया जा रहा है। प्रश्न ये है कि ये जो डिलीवरी व्यवस्था रखी गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज करके, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंडअप इंडिया हो, मुद्रा हो, और या हमारे जो नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह का जो इतना बड़ा कार्यक्रम चलता है जिसमें बहनों ने 1,00,000 करोड़ रुपया राशि का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है सर, जिसमें करीब 60,000 करोड़ रुपया बैंकों ने ऋण दिया है और 25,000 से 40,000 के बीच में वो अपना बचत करके इंटरनल लेंडिंग में लगाया है। तो 1,00,000 करोड़ की राशि यदि जो ग्रामीण और सेमी अर्बन विस्तारों की महिलाएं मैनेजमेंट कर सकती है तो एक एक इंडिकेशन आता है कि एक ग्राउंड बना है, चाहे वो महिला आगे ना आए लेकिन उसका लड़का या लड़की जरूर आगे आएंगे। और आपने सर जो शुरू किया जनधन आंदोलन, जनधन योजना मैं नहीं कहता, वो बड़ा आंदोलन बन गया सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट था कि जब तक एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो तो बैंक से जुड़ना पड़ेगा, तो वो बैंकों से जोड़ने का जो प्रयास किया, और मैं तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से सर काफ़ी सालों से जुड़ा रहा, प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी किया, RBI ने भी किया, लेकिन आपने जो इसमें जो बदलाव लाया, बदलाव क्या लाए आप, पहले ब्रांच मैनेजर गाँव गाँव जाता था खाता खोलने के लिए, फिर
नई जो जनधन योजना लाई गई सर उसमें ब्रांच में भीड़ आ गई। आपने ये कहा कि जनधन खाता खोलेंगे तो उसके साथ 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट रहेगा, उसके साथ आपने रुपए कार्ड दे दिया, उसके साथ आपने इंश्योरेंस स्कीम्स भी लोड कर दी। नाउ सिंपल ट्वीकिंग, जो डिलीवरी सिस्टम की जो ट्वीकिंग हुई है एकदम स्मार्ट वे में, सरल प्रकृति से और लोगों को पसंद आए उस तरह से किया गया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम इसका बेनिफिट कैसे उठाएं। प्रबोधिनी के साथ मेरा एक निवेदन यह है कि इसी प्रकार के जो कार्यक्रम यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें करने हो, रीजनल क्षेत्र में करने हो, तो उसमें नाबार्ड हमेशा सहयोगी रहेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शुद्ध ध्येय यदि है संस्थाओं में तो उनके साथ काम हमेशा सफल होते हैं, जैसे कि आज सब लोगों ने आपने देखा है। तो शुद्ध ध्येय से आगे बढ़ें। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस हॉल में, ये सभागृह में जो पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रहा हूं, उस एनर्जी का ट्रांसलेशन आप आगे वाले 5 सालों में कम से कम 25-25 लोगों को रोजगार देके उनका भी आप लाइवलीहुड में आगे बढ़ने का एक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं KVIC चेयरमैन श्री विनय सक्सेना जी से भी आग्रह करूंगा कि वे 5 से 7 मिनट में अपने विचार रखें। मंच पर आसीन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर विनय सरस्वती जी, सर वी वेलकम यू टू द वैलिडिक्ट्री सेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव। हमने एक 10-15 मिनट पहले शुरू किया है और यह आज के कार्यक्रम का अंतिम समापन सत्र चल रहा है। मैं KVIC चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार रखें। और अभी भी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइन किया है, श्री HR दवे जी, श्री साठे जी, और इतनी बड़ी तादाद में जो एक यंग क्राउड जो मुझे यहाँ दिख रहा है। आज का जो सेशन था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव, ये वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत प्रयास है प्रबोधिनी का। मेरा प्रबोधिनी में ये दूसरा विजिट है। जब मैंने पहले भी विजिट किया था उस वक्त भी मेरा अनुभव बहुत ही सुंदर था और आज का अनुभव वास्तव में उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने जिस सेशन को चेयर किया, मैंने बताया कि खादी की क्या इम्पोर्टेंस है, खादी कैसे जन जन से जुड़ सकती है, खादी के माध्यम से कैसे रोजगार क्रिएट किया जा सकते हैं। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि प्रबोधिनी को KVIC का एक एक्सटेंशन सेंटर के रूप में जो है हम जल्द ही स्थापित करेंगे। यहाँ हम एक हफ्ते में बी बॉक्सेस लगा ही रहे हैं, हनी मिशन की तो ट्रेनिंग हम देंगे ही देंगे, साथ में जो PMEGP हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है उसकी भी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर शुरू होगी, जिससे जो आसपास के जो गांव हैं, जो यंग क्राउड है यहाँ का, उन सबको बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये KVIC का सम्मान होगा कि वो प्रबोधिनी से जुड़े, क्योंकि जो प्रबोधिनी जो की जो कार्यशैली है
जो कार्य पद्धति है और उस कैंपस का जो फील है वो मैं आपसे क्या कहूं कि मुझे जब भी मैं आया हूं मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि आप शायद जो है किसी दूसरी दुनिया में ही जो है प्रवास कर रहे हैं। और इस फील को हमेशा जो है हम लोग इंजॉय करते रहें, इस हरी भरी वादियों में जो इस इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंजॉय करें और साथ में इससे जुड़कर समाज के लोगों को किस तरीके से अपने पैरों पर खड़े कर सकें उसका प्रयास जो है कि वी आई सी हमेशा करता रहेगा। मैं विनय जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और शायद अगर मैं यहाँ ना आता तो मैं एक बहुत बड़ा जो है अपने साथ अन्याय करता। मुझे इतनी नॉलेज यहाँ मिली, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला और ये जानने का मौका मिला कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं डिकी के जो प्रेसिडेंट साहब से भी मिला, वास्तव में वो कितना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हम उनके साथ भी जुड़ेंगे और ये हर प्रयास करेंगे कि किस तरीके से समाज में लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विनय जी का और प्रबोधिनी का कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और ये सिलसिला अब जारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद विनय सक्सेना सर। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से निवेदन करता हूँ कि वे मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू का स्वागत करें। सर आपका इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पेमा खांडू देश के आज सबसे युवा और गतिशील मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। अब मैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार रखें। हम सब जानते हैं कि देश की संसद का बजट सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होना है। बावजूद इसके हमारे वित्त विभाग के राज्य मंत्री, राज्यसभा में हमारे साथी आदरणीय श्री शिव प्रताप जी शुक्ला जो पूरा दिन देकर हमारे मध्य में है, तो आदरणीय शुक्ला जी अभी अभी हमारे मध्य में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खांडू जी, अभी जिनका भाषण हमने सुना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय सक्सेना जी, नाबार्ड के श्री एचआर दवे जी, प्रबोधिनी के रविंद्र साठे जी, रवि पोखरणा जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, समापन का सत्र है, कुछ लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं, मगर केवल दो तीन बातें मैं आपके सम्मुख विचारार्थ रख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि यहां पर कई सारे विषयों की चर्चा हुई, कई लोगों के जो फीडबैक अभिप्राय प्रतिभाव जो सुना वो भी काफी उत्साहवर्धक है, मगर ये जो रास्ता है आर्थिक जनतंत्र का, शायद सारे जनतंत्रों में ये जरूरी होता है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करें, स्वयं ही खुद को प्रेरित करें, और कहीं से प्रेरणा का सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा संभव नहीं है। तो हम ही ने अपने आप को प्रेरित करना है, ऊर्जा निर्माण करनी है, आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आजकल जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मेंटरिंग करने वालों की संख्या बहुत कम है, कोई किसी को मेंटरिंग या तो करना नहीं चाहता या करने की क्षमता नहीं होती, तो उसके ऊपर कोई रोने धोने से काम नहीं चलेगा। हम सभी ने अपने आप इकट्ठा होकर एक कलेक्टिव मेंटरिंग करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि यहां पर कुछ लोगों ने कुछ विषयों में सफलता पाई है, कुछ लोगों ने नहीं पाई है, तो जिन्होंने जिन विषयों में सफलता पाई है वो जिन्होंने पाई नहीं है उनका सहयोग करेंगे, तो मैं मानता हूं कि ये कलेक्टिव मेंटरिंग जो है उसको हम और
जमीनी धरातल पर ला पाएंगे और उसके आधार पर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर आर्थिक जनतंत्र में मुझे लगता है कि कई बार इसकी चर्चा में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इकोनॉमी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। माना यह जाता है कि सरकार किसी को इंक्लूड करेगी, ये तो ठीक है, सरकार का काम ही होता है, मगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव इकोनॉमी का रास्ता इंक्लूसिव माइंडसेट से जाता है। इसलिए जब तक हम अपने मन को थोड़ा सा उदार और विशाल करते हुए औरों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो केवल सरकार के माध्यम से आर्थिक जनतंत्र मुहैया नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये हम सबका काम है, जनतंत्र ये कोई सरकार का काम नहीं होता, ये जनतंत्र सभी का काम होता है। तो वो आर्थिक जनतंत्र के लिए भी मैं मानता हूँ कि ये सिद्धांत लागू होता है कि और हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ करते हुए इस आर्थिक जनतंत्र को जितना बल दे पाएंगे उतना और अधिक बेहतर होगा। मैं मानता हूँ कि हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ अधिक स्पष्टता हमारे सोचने में होगी और उस आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है। और अभी अभी अरुणाचल के मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, मुझे याद आ रहा था कि जब अरुणाचल के जनजातीय लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ के हमारे ठाणे के जनजातीय लोगों को वो मिलते हैं, तब उनके ध्यान में आता है कि जनजातीय होने के बावजूद भी हम काफ़ी संपन्न अवस्था में हैं, क्योंकि अरुणाचल में जमीन बहुत है, अरुणाचल की प्राकृतिक सुंदरता और संपदा मतलब बेशुमार है एक दृष्टि से, और यहाँ पर पूरा वंचना का वातावरण है। मगर तभी जा करके मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ पर ठाणे में, मुंबई में, पुणे में, किसी शहर में सिटी बस के हम बस स्टॉप पर खड़े हैं और 15 मिनट आधा घंटा बस आती नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा आप अरुणाचल में जाइए देखिए, जहां पर एक शहर से अपने स्कूल तक जाने के लिए लोग दो दो घंटे पैदल चलते हैं। तो ये अनुभव करना, यही मैं मानता हूं कि एक दूसरे की पीड़ा को समझते हुए खुद को वंचित, उपेक्षित, पीड़ित न मानते हुए हम औरों की पीड़ा दूर करेंगे, औरों की वंचना दूर करेंगे, इस भाव से अगर हम यहां से जाते हैं तो मैं मानता हूं कि आर्थिक जनतंत्र और वास्तविकता में लाने के रास्ते में हम एक दो कदम जरूर आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का सहयोग, सभी की सहभागिता हम सब आयोजकों के लिए भी बड़ी ऊर्जावान रही और सभी मान्यवरों का सान्निध्य भी हम सभी के शुक्रगुजार है, कृतज्ञ है। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए हम मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को विनती करें कि वे हमारे बीच आकर अपनी बात रखें। यहां मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय सरकार के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, और हमारे बीच आरएमपी के चेयरमैन और राज्यसभा के हमारे एमपी श्री विनेश सरसबुद्धे जी, यहाँ उपस्थित हमारे आरएमपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रविंद्र साठे जी, और हमारे नाबार्ड और हमारे केवीआईसी के रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ उपस्थित आप सभी एंटरप्रेन्योर्स और विभिन्न कंपनी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, आप सभी को सबसे पहले मैं अरुणाचल की ओर से नमस्कार कहना चाहूँगा। अरुणाचल के बारे में आप सभी वैसे सुना तो होंगे लेकिन बहुत ही कम लोग शायद आप लोग वहाँ गए होंगे। जैसे अभी विनय जी ने जो कहा, अरुणाचल वैसे हमारे राज्य काफ़ी एक सुंदर प्रदेश है और हमारे पास लैंड भी काफ़ी बड़ा है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एनीवे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विनय जी को कि इतने अच्छे प्रोग्राम में, आज के इस वैलिडिटरी फंक्शन में हमें एक यहाँ आके एक दो शब्द कहने का मौका दिया है। खास करके जो थीम आज जो यहाँ पे रखा गया है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव, तो आज सवेरे हमारे माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी यहाँ आके इस कॉन्क्लेव को उद्घाटन करके गया है। जैसे हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं,
तो हम सबको पता है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो मायूम जो है वो हमारे राष्ट्रपिता से लेके हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जितने भी हमारे इस देश के वरिष्ठ जो नेता था उन सभी लोग ने अपने टाइम में काफ़ी कोशिश किया कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अच्छे से हो इस देश में। और हम सब मानते हैं और मैं भी पर्टिकुलरली मानता हूँ कि ये देश जो है तभी आगे बढ़ पाएगा जो हम सभी जो जनजाति यहाँ पे सभी जो देशवासी यहाँ पे बसे हुए हैं इस देश में जब अच्छा एक इकोनॉमिक एक प्लेटफॉर्म मिलेगा एक अच्छा एक डेमोक्रेसी के साथ साथ एक अच्छा एक मेजर मिलेगा जिससे हम लोग अपने पेड़ों में खड़ा हो सके। महात्मा गांधी जी शायद बहुत ही सही कहते थे कि ये देश तो भी डेवलप होगा जब हमारे गांव विकास होगा। वैसे मैं मुंबई आज मेरा ये दूसरी बार ही विजिट है, मैं उतना ज़्यादा बार यहाँ पे नहीं आया हूँ, पिछली बार भी आया हूँ तो एक फंक्शन के लिए आया हूँ, आया और फिर चला गया तो मुंबई को भी अच्छा से देखने का मौका नहीं मिला। तो हमारे साथ एयरपोर्ट में हमारे एक दोस्त वहाँ पे आए रिसीव करने के लिए तो मैं उनको बोल ही रहा था कि ये शहर का जो लाइफ है काफ़ी रिस्की लाइफ है और काफ़ी टेंशन भरा वाला एक लाइफ है। यहाँ का पॉपुलेशन तो इतना सारा करोड़ में है, हमारे राज्य में केवल 14 लाख का पॉपुलेशन है, 84,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास ज़मीन है और केवल 14 लाख तो पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे वहाँ पे केवल 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि यहाँ के अभी महाराष्ट्र की बात करें तो आई थिंक इट विल बी अराउंड 370-380 पर स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ में लाइफ इतना टेंशन है, यहाँ पे कब क्या हो जाएगा ठिकाना नहीं है। अभी रास्ते में मैं देखा कि अभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बिना हेलमेट के ट्रिपल राइड करके गाड़ी से टकराने वाला था, थोड़ा देर के लिए मैं तो डर ही गया था। तो एनीवे अभी कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी हमारे इस इतना सुंदर जो देश है हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल्स है। अभी वो ज़माना चला के अभी आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल पूरा डिजिटल के माध्यम से लोगों को बहुत एम्पावरमेंट करके रखा है, आप घर बैठा बैठा आप बिजनेस चला सकता है। तो अभी अपने आप को पेड़ों में खड़ा होने के लिए हम सब शहर की ओर दौड़ना ज़रूरी नहीं है, हम सब अपना वापस गांव जाके वहाँ भी हम लोग डेवलपमेंट कर सकता है। और हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी खास करके इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लेके उनके पीरियड में काफ़ी सारा इनिशिएटिव्स उन्होंने शुरुआत किया है जिसका काफ़ी भरपूर इस देश के जो यंगस्टर्स है उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। हमारे अपने राज्य में जो मुद्रा स्कीम है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, उसका हजारों के तादाद में लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। उसी प्रकार से हमें पूरा विश्वास है कि बाकी के जो राज्य है उसमें भी जो स्कीम है वो STST वेंचर फंड बोले चाहे मुद्रा स्कीम बोलिए तो इस प्रकार का स्कीम आप सभी को काफ़ी बाकी स्टेट्स में भी फायदेमंद होगा। तो धीरे धीरे हम लोग सब अपने पेड़ों में खड़ा होना ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोगों का एक अच्छा एक विजनरी लीडर का होना बहुत ही ज़रूरी था। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर में खास करके जो गवर्नमेंट है वो एक ट्रांसपेरेंसी एक गवर्नमेंट हो, वो लोगों के हित में सोचने वाला एक गवर्नमेंट हो, वो लोगों के हित में काम करने वाला एक गवर्नमेंट हो। जो हमारे पंडित दीनदयाल जी जो कहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट जो है पूरे गांव तक जाना चाहिए, वो पूरे विलेज लेवल तक जाना चाहिए, तो उस प्रकार से एक तो गवर्नमेंट इस प्रकार से अभी आया है तो हमें पूरा उम्मीद है कि पूरे हम सब मिल के इस जो एमिशन है हमारे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को और भी हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर अरुणाचल प्रदेश का यदि बात करें तो मेरा टेन्योर में हमने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स वहाँ पे लिया है, मैंने एक नया एक स्कीम वहाँ पे लॉन्च किया है एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, उसके अंतर्गत मैंने 4 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड्स इसके बाद टूरिज्म वो सब, उसमें हम देते हैं 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का स्कीम्स जिसमें 30% हमने सब्सिडी दे के रखा हुआ है। तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ का स्कीम से यदि कोई अप्लाई करते हैं तो उसका एक कमेटी गठन करते हैं और जिसमें नाबार्ड हमारे पार्टनर्स है उसमें, तो उसमें स्कीम्स को इवेल्यूशन करके फाइनली उस स्कीम्स को हम लोग सबमिट करते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में फोकस किया हुआ है और टूरिज्म सेक्टर्स में भी फोकस किया हुआ है। तो इस प्रकार से अभी हर एक राज्य में इस प्रकार का काफ़ी सारा इनिशिएटिव्स बाकी राज्यों में भी चल रहा होगा, तो मेरा ये उम्मीद है कि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट से और राज्य सरकार के जो इनिशिएटिव्स है दोनों को कम्बाइंडली अगर हम लोग लेके जाएं तो
हम लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए ताकि हम लोग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा रूट्स में गांव वाला गांव तक हम लोग लेके हम लोग जा सकेंगे और ख़ास करके हमारे जो यहाँ के आरएमपी के जो आज पहली बार मैं इस कॉम्प्लेक्स में आया हूँ और आरएमपी के एक्टिविटीज़ के बारे में तो हमारे विनय जी के लीडरशिप के अंदर में काफ़ी इस देश को कंट्रीब्यूट किया है, खास करके ट्रेनिंग सेक्टर में हो, स्किलिंग के माध्यम से हो। तो मैं अभी आरएमपी के और अपना विनय जी को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को भी थोड़ा आपका सहयोग का ज़रूरी है। हमारे वहाँ के यूथ लोग काफ़ी मेहनती है, बहुत सारा पोटेंशियल्स भी है हमारे वहाँ तो, लेकिन सही दिशा और सही ट्रेनिंग नहीं होने के कारण से ठीक ढंग से अभी उभर के हम लोग शायद नहीं आ पाए होंगे। तो आपको मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने आरएमपी के जो प्रोग्राम है उसको नॉर्थ ईस्ट में भी लेके आए ताकि वहाँ के लोग को भी इस तरह का बेनिफिट मिले। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा, खास करके आप सबके बीच यहाँ आया, एक दो बात कहने का मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके अपना बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। रविंद्र साठे जी और मैं पिछले एक महीने पूर्व ही ईटानगर आए थे और अब आपने कहा है तो हम निश्चित ही रामभाव मल्गी प्रबोधनी के साथ अरुणाचल प्रदेश में कुछ न कुछ काम ज़रूर करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी से कि आकर कृपया अपना भाषण करें। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जिनको अभी आप सुन रहे थे और अरुणाचल के विकास की गति भी उनसे सुन रहे थे कि कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, श्री पेमा खांडू जी, राज्यसभा में मेरे सहयोगी, कभी कभी राज्यसभा में भी हम लोग वो को इनका प्रबोधन मिलता रहता है, ऐसे श्री विनय सहस्त्र उद्र जी, श्री रविंद्र साठे जी, श्री एच आर दवे जी, श्री विनय सक्सेना जी, उपस्थित सभी मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आज रामभाव महालगी इस प्रबोधिनी में हूं और इसका श्रेय सर्वाधिक जाता है तो विनय जी को ही जाता है। क्योंकि जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात को कहा कि मैं कभी वहां भी बैठ करके यहाँ के लोगों को सुना करता था और सुनाने वालों में, प्रबोधन देने वालों में, ट्रेनिंग देने वालों में उन्होंने माननीय विनय जी का भी नाम लिया। जब जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग यहाँ हुआ करती थी, मुझे वो सौभाग्य नहीं मिल पाया था, इस नाते कि मैं जनप्रतिनिधि पहले हो गया था और यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी पहले ही हो गया था जब ये शुरू नहीं हुआ था, इस नाते वो सौभाग्य नहीं मिल पाया था, लेकिन आज मिला। इतिहास ही इतिहास को दोहराता है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मैं ये कहूं
कि एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री ने जो दिया, सबका साथ सबका विकास, हम एक दूसरे को जोड़ें और दूसरे के विकास के प्रति सचेत रह करके काम करें। जो ग्रामीण संस्कृति के विकास